सिद्धू मूसे वाले की गड्डी, ये देखो ये खड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज योर होस्ट आगे वाली एंड यू वाचिंग पी एटीवी ऑफिशियल व्लॉग। रमजान का पांचवा रोजा आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। आपका है जी वेलकम तड़कते फड़कते व्लॉग में। और माशाल्लाह हमने आज सहरी कर ली है, सहरी की वीडियो नहीं बनाई। और अभी जो कह लो कि जनाब अभी नमाज पढ़ के हटा हूँ। और आज जनाब पांचवा रोजा है तो अल्हम्दुलिल्लाह वापिस सोमे का दिन नवाए तो मिन शर रमजान। तो रमजान के अगले रोजे की भी नियत कर ली हमने और अभी सोना है जी। उसके बाद फिर देखते हैं क्या रूटीन है हमारी। ले जी गाइस टाइम हुआ चाहता है जी दूध लेके आने का, तो दूध के लिए जग पकड़ते हैं भाई। शाबाश भाई, ये धमाके हो गए हैं। दूसरे घर से भी दूध लेने जा रहा हूँ, मंगने जा रहा हूँ। ये सना में आज जाना हो कबूल। ले जी नाजिन अलहबदीन हजरत, हमारा टूर है जी अभी कह लो के गुजरात का। और गुजरात में क्या करने जा रहे हैं वहाँ जाके आपको पता चलेगा। तो चलते हैं जी गुजरात की तरफ। और साथ दोस्त है मेरा हमसा है तो उसको साथ लेके जा रहा हूँ। और मिस्टर खावर साहब मेरे साथ है। कई बंदों को हमारे ब्लॉग ऐसे लगते हैं भाई जैसे मर्चे नहीं बंदे को लगती और लगती भी कहाँ है वो आप जानते हैं खुद। तो चलो चलते हैं जी। चलिए खावर साहब, खावर साहब चलिए इधर, ध्यान करिए इधर। चलो जी निकलते निकलते जनाब खावर साहब जो कि आप जानते हैं कि एक कारपेंटर है, तो इधर पहले ही पड़ाव डाल लिया भाई। यहाँ गया है अंदर, तो अंदर क्या मकसद था जनाब, इसने कुछ यानी कि डील की हुई थी तो उसमें से पैसे कम पड़ रहे हैं। तो भाई जान कह रहा है कि भाई मैं जाके अंदर हो के आता हूँ और इनको कहता हूँ भाई थोड़ा सा पैसे दे दो तो सामान लेके आना है। पहुँचाए हैं गुजरात में और गुजरात आते आते भाई कितने हादसात से हम बचे हैं। आवर के पीछे बैठे हुए हैं, बाकी अल्लाह अल्लाह करके भाई कसम बड़े सारे तरह हमारे पाटे हैं। तो अभी जनाब यहाँ पे गया है, पता नहीं क्या करना है क्या बनाना है इसने। तो अंदर जाके देखते हैं भाई क्या अंदर भाई सीन चल रहा है। सिद्धू मूसे वाले की गड्डी ये देखो ये खड़ी हुई है। तो जनाब 2 घंटे के बाद हम फारग हुए हैं। तो हावर साहब ने बड़ा लम्बा लाम ला के बैठ गए हैं कि ये कारोबारी बंदे इस तरह नहीं करते हैं। लो पै गए जो पंगे फिर तो सरकार। हावर साहब मोगे तेल की कहते एली नी एनू भी फोल्ड करके भी धार लो। फिर लो जी नाजरीन पिछली दुकान से ली है फोन में हावर साहब ने अपने काम के लिए। तो अभी जनाब फिर आगे शीट्स वगैरह लेनी है। शीट्स किसके लिए लेनी है, कुछ हावर साहब ने भी लेनी है और कुछ हमारे कह लो दुकान के लिए। तो आगे जाना है चेंजों पर। फंस गए हम ट्रैफिक में नाजरीन, रश पड़ा हुआ है। मतलब क्या है कि भाई फाटक बंद थी तो ये देख सकते हैं भाई हावर साहब। ओ काटना काटना करता क्यों है, मार दे बेचते पक्का नहीं मार देते। गाइस इधर रस्सा ही नहीं है। गाइस किधर बढ़ रहे हो आप, ओ पाए ना ले भाई सही मसाल है पाकिस्तानी है। वेख लो कुठे राह बढ़ गई, वेख लो काढ़ी लिया तू अंदर पड़े पड़े ना हजांगा ना लग जाए इनको। हाय पैसे गिनती है पैसे। तो ये कई पैसे लेने ने दरवाजे बन देने ऐसे ना यानी कि काट के तो जनाब सही हो गया। अच्छा हो गया बड़ा सियाना हो रहा है। अनोखी गल है यार उस्ताद जी राम नाल आहिस्ता महल बाहर खड़न लगे ने दुकान पहुंच आए हैं जी। यहाँ पे कुछ शीटें लेनी है
शीट्स क्या भाई, ये बोर्ड की शीट्स होती हैं प्लाई वगैरह इस तरह की। तो आई है हावर साहब के पीछे पीछे हम अभी पहुँचे हैं जी गोदाम में। गोदाम में हमारा क्या काम है भाई, ये आप देख सकते हैं जी, ये छीटे हैं जी, वुड की छीटे हैं, इनमें से हमने सेलेक्ट करनी है। वो ये हावर साहब वही ठीक है, सिंपल वे ठीक है, की डिफरेंस है कुछ नहीं है, बस थोड़ी सारी लाइनिंग है। असी कड़ा उते शो पीस बनाना है वही ठीक है, वही ठीक है। अच्छा गाइज, ये जो सामने आपको नजर आ रही है जी, ये है जी, क्या इसको भाई कहते हैं, जरा लेमिनेशन है, ये जरा महंगी है। तो मैंने भाई को ये भी, ये कह लो कि क्या कहते हैं इसको जी, कमर्शियल, ये कमर्शियल है, इसमें लाइनें हैं। तो हमने कौन सा भाई शो पीस बनाना है, इसका रैक वगैरह ही है या फिर काउंटर होगा? इसमें सिंपल होगा जनाब, सिंपल जो रेट सेम है, ये सेम तो नहीं है इसका, ये 2500 आई थिंक, 2300 आई कुछ इस तरह का। तो उसका भी थोड़ा कम है, इससे कम है, 150 रुपया कम है। तो मैंने वही कह लो कि रिकमेंड की है आवर भाई को, वही कहा कि भाई वही ले लेते हैं, हमने क्या करना है इतना भाई शो पीस बना कर, हमने यानी कि दुकान के लिए लेना है। और साथ मैं ये आपको बता दूँ ये क्यों कर रहा हूँ मैं, किस लिए कर रहा हूँ। अच्छा यार, मैं ना शॉप का भी साथ कर रहा हूँ, ठीक है, ये इंशाल्लाह हम टाइम एडजस्ट करेंगे, पहले ऑफिस हो के भाईजान, फिर बाद में अपनी शॉप को टाइम देंगे शाम को, ठीक है। तो ये जो कह लो कि ये बड़ी महंगी है जी, ये जो लेमिनेशन है होती यही बेस्ट है, बाकी है बड़ी महंगी, वो कह लो तकरीबन कह लो कि 2500 की है, ये डिज़ाइन वाली वो 2350 की है, ऊपर वाली जो सिंपल है इसमें। तो यही मैंने चूज़ किया है, काउंटर और पीछे रैक बन जाएंगे, तो ऐसा ऐसा हम बढ़ाते जाएंगे, अगर काम हमारा निकल पड़ा तो इंशाल्लाह, उम्मीद है निकल पड़ेगा। तो ठीक है जी, सेलेक्ट हो गई है हमारी, बिल बन गया, बिल लंबा सा बन गया भाई, 8900 बस, माशाल्लाह लंबा लंबा छोड़िया जी। लो जी जनाब, गाइस शीट्स वगैरह ले ली हैं, रख दी हैं जी, ये हावर का सामान, ये आधा ज़्यादातर मेरा ही सामान है, ग्रीन शीटें हैं और ये लसानी वगैरह पता नहीं क्या है इसके, वो छोटी बरीक शीटें हैं इसमें। तो छेती आज ही असी काम शुरू करना हला सुनना पे, मैं जानता ही नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਵੇਖੇ ਕਿ रुपया तू 200 लेना किराया, तो 10,500 दीटा तू लैके टुर जाना है, किन्ना ओ चल ना 1500 बोला दिया बंदा, किराया तेन पता किन्ना, तू पहला मका के बंदा लिया कर, क्यों ना मकांदा है, एन टाइम तो लै हुए फाड़े, मेरे को मैं और शीट ना लै ला एक और तेरे सामने, मैं कटाना ही आने पे यही रह गई इसी को, चल कोई नहीं गल हैरा मेरा दुख, बिल्कुल नहीं माफी देंगे, गल मका टुरी थी मेरा भरा, कुछ शह नहीं खानी किसी को, ठीक है लैके शह नहीं खानी है, टाइम सिर घर आने वाला, असि काम शुरू करने अज, अरे काम शुरू करने अज, आइए समझ खबर है लेमिनेशन ने, पाकिस्तान ओनली वन यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड टीयर फ्री MDF बोर्ड, यूवी दीटा ने है, तो MDF है, MDF बोर्ड MDF। अच्छा ये UV दिया ने, अच्छा अच्छा। लो जी जनाब, हमारा हुआ काम खत्म और हम जा रहे हैं वापस, जान बोझ के ना शाबाश यार, क्या कर रहा है ला दिया बदया आवर, क्या करते हो आप यार, हमने रोजा रखा हुआ है और ढेड में पीड़ हो रही है, शाबाश इतना को बड़ा खड्डा वे है, इतना हवरा को बड़ा खड्डा वे, चस नहीं आ रही है को बड़ा खड्डा वे, ये चस भी आ रही है, शाबाश ऐसा ना भी को बड़ा खड्डा,
रोड तो चलाना नहीं आता उ रोड उ चला हाँ बंडी जाने विकन वास्ते तेरा मुल चल मुल तो कुछ लगना है तेरा फ्राई मार रहे हैं शायद खाना दवानी ला पी जाए मैं तंग होया तो पिछा हो जा थोड़ा किधरों बेगम वालू बेगम बंदा हावर साहब ने फ्रूट वगैरह लेना है इधर से और रोजा इंतहा का लग गया टीट में वो जिसे कहते हैं टीट में दर्द हो रही है वही हो रही है मेरे तो टेम्प्रेरी तौर पर उसको स्टार्ट करना है अगर अल्लाह हैर करे तो हमारा कोई वीज़ा वगैरह लग जाता है तो इंशाल्लाह हम मूव हो जाएंगे अदरवाइज हम फिर ये फिर शॉप को ही हम कंटिन्यू करेंगे साथ ऑफिस है तो ऑफिस भी जाएंगे और शाम को आगे फिर हमारा प्लान यही है कि शाम को फिर दुकान का सिलसिला देख सकते हो जी नाजरीन देख सकते भाई जान आज मेरा ख्याल कि मेरी मौत का दिन है या मैं मरेगा या फिर मैं मरांगा भाई प्रभु ये क्या जुल्म है यार क्या जुल्म है अभी ये भी तलवार है टमाटर भी मर्चें भी वो भी तलवार है ये बंदा पता नहीं इतनी ज्यादा चीजें बंदा ये रखेगा कहाँ पे यार मुझे ये समझ नहीं आ रही घर पहुंच आए हैं अल्लाह अल्लाह करके भाई सफर मैंने भाई बड़ी मुश्किल से किया है दो शापर इस तरफ से दो शापर इस तरफ से और दरमियान में दो पलियां थी ठीक है और दोनों शापर तकरीबन 5-5 किलो के थे साइडों पर तो भाई जान ऐसे बाजू करके अल्लाह के मैंने पता आ गया भाई और वो बंदा जो मोटरसाइकिल चलाता है ना किसी टाइम लगता है वो बिल्कुल जी बस ना गए हों ठीक है ऐसा हिसाब से बस गए हम कोई जंप नहीं देख रहा कोई खड्डा नहीं देख रहा भाई ठाक 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 लग रहे हैं उसमें इस बंदे के पीछे बैठ के बंदा कहना यार तरा ही निकलते रहते हैं तरा पारते रहते हैं बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच आए हैं बड़ी मुश्किल के साथ आए हैं क्योंकि उसके पास कह लो कि उसके बाइक के साथ वो सेफ गार्ड कोई नहीं थे वरना आधा सामान तो हमारा आगे हैंग हो जाना था बाकी बड़ी मुश्किल के साथ भाई सामान को कवर किया है होल्ड किया पकड़ के लाया हूँ तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचता हूँ और आकर नमाज वगैरह पढ़ी है मोबाइल मेरा ना बहुत ही कह लो कि काम ख़राब कर रहा है आजकल बैटरी इसकी ऐसे जा रही है ना कि जैसे गरीब की जेब से भाई तनहा जाती है ऐसे वाह वाह क्या बात है क्या मिसाल दी है गरीब की जेब से तनहा जाती है कि पता ही नहीं चलता तो मोबाइल मेरा ऐसा हो गया कि पता ही नहीं चलता भाई अभी 40% है 50% है गई बैटरी तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच आए हैं घर शीट वगैरह ला के दे दी है भाई तो सुबह मैं पीछे इसके लग के ना ज़रा तो ये रैक वगैरह बनवाऊंगा आपको मैंने बता दिया कि मैं अपनी दुकान छोटी सी करियाना स्टोर ही साथ ही चलाने लगा स्टार्ट करना काफ़ी हमारे एरिया में दुकानें हैं बाकी फिर भी कह लो कोई इस बाब नहीं बन रहा कोई हो नहीं रहा जॉब नहीं मिल रही तो इसलिए मैंने कहा यार चलो यार इसको ही चला देते हैं दुकान ही चला देते हैं साथ ही वो इजी लोड वगैरह इजी पैसा वगैरह सब कुछ वो रखेंगे अफ्तारी हमने कर ली है और नमाज वगैरह पढ़ ली है उसके बाद जनाब अभी हमारा दिल है जी कि हम एडिटिंग करें कोई व्लॉग एडिट कर लें तो हैं की ए देख सकते आओ नाजरीन मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना एक चीज़ की दिखाना चोर दिखाना देखियो जरा हेलो ओ भाई की हो रहा है कोई नहीं।